क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सच्चाई और निष्ठा की ताकत क्या हो सकती है? आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने न केवल एक व्यक्ति के जीवन को बदला बल्कि एक पूरे गांव की तकदीर बदल दी। यह कहानी है हरिश्चंद्र की, एक साधारण किसान जिसने अपनी मेहनत, सच्चाई और भगवान कृष्ण के प्रति अडिग विश्वास के बल पर जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं को पार किया। लेकिन क्या होता है जब सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी मन में कुछ अधूरा सा लगे? इस रोमांचक यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे हरिश्चंद्र के जीवन की उन राहों पर जहां हर कदम पर चुनौती थी लेकिन अंत में मिला भगवान कृष्ण का दिव्य आशीर्वाद। तो जुड़े हमारे साथ और जाने कैसे सच्चाई, मेहनत और धैर्य के बल पर मिलती है भगवान की सच्ची कृपा। आइए इस अद्भुत सफर का हिस्सा बने। हरिश्चंद्र एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था जहां लोगों का जीवन सीधा साधा था। उसका परिवार एक किसान परिवार था जो अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर था। हरिश्चंद्र के पिता विश्वनाथ एक समर्थ किसान थे जो अपने दिनों में गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। उनका यह विश्वास था कि जीवन में सच्चाई और मेहनत से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। बचपन से ही हरिश्चंद्र अपने पिता से बहुत प्रभावित था। विश्वनाथ अपने बेटे को हमेशा उपदेश देते थे कि अगर उसने अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो उसे हमेशा सच का साथ देना होगा और अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी होगी। हरिश्चंद्र के मन में ये बातें गहरा असर डाल गई थी। उसने अपने पिता से अपनी प्रेरणा पाई और उसके मन में एक बड़ा सपना पलने लगा। गांव में जब भी किसी परिवार में कोई तकलीफ होती थी या कोई समस्या आती थी, लोग विश्वनाथ के पास सलाह लेने आते थे। विश्वनाथ अपनी समझदारी और व्यवहार से सबकी मदद करते थे, लेकिन उनका एक मंत्र था जो हर व्यक्ति को देते थे, सत्यमेव जयते। उनका कहना था कि अगर तुम सच का साथ दोगे तो भगवान कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हरिश्चंद्र ने अपने पिता से इस संदेश को अपने जीवन में अंगीकार कर लिया। उसके मन में हमेशा एक विचार रहता था कि उसने अपने पिता के आदर्शों पर चलना है और अपने गांव के लोगों की मदद करनी है। हरिश्चंद्र अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में अपने पिता के उपदेश को याद रखता और सच्चाई का पालन करता। जब हरिश्चंद्र कुछ बड़ा होने लगा तब उसने गांव के लोगों के साथ अपनी खुशियां बांटने का फैसला किया। हर साल उसका जन्मदिन एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता था जिसमें गांव के सब लोग आते थे। हरिश्चंद्र के पिता उस समय अपने पुत्र के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन करते जिसमें भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करना प्रथम कर्तव्य होता था। यह बचपन की यादें हरिश्चंद्र के जीवन में हमेशा उसकी प्रेरणा बनी रही। जब कभी उसके सामने कोई कठिनाई आती तो वह अपने पिता के इस संदेश को याद करता और अपने कदम आगे बढ़ाता। जब हरिश्चंद्र अपने युवावस्था में कदम रखा तो उसके सामने नए चुनौतियां खड़ी होने लगी। उसका सपना था कि वह अपने परिवार के खेतों को फिर से फलप्रद करके गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति बन सके, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। उसने अपने पिता से जो प्रेरणा पाई थी उसे अपने जीवन में अनुसर करना मुश्किल था। एक दिन गांव में एक विचित्र घटना घटी। गांव के पानी का स्रोत जो सबके जीवन का आधार था अचानक सूख गया। इस घटना ने गांव के लोगों को चिंतित कर दिया। सब लोग परेशानी में थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हरिश्चंद्र ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और सोचा कि उसे कुछ न कुछ करना होगा। हरिश्चंद्र ने अपने गांव के लोगों से संवाद करना शुरू किया। उसने उन्हें इस कठिनाई से निकलने के उपाय सोचने को कहा, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उसका विरोध किया और कहा कि यह सब भगवान की इच्छा है, हम कुछ नहीं कर सकते। हरिश्चंद्र ने इन बातों को अनदेखा किया और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने पिताजी से सीखा था कि हर समस्या का समाधान होता है, बस विश्वास और मेहनत की जरूरत होती है। हरिश्चंद्र ने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर नए पानी के स्रोत ढूंढने का काम शुरू किया। उसने अपनी पूरी शक्ति इस कार्य में लगा दी। कई दिनों के बाद उसे एक नई जगह पर पानी का एक स्रोत मिला। उसने तुरंत अपने गांव के लोगों को यह खबर दी और सब मिलकर उस पानी को अपने गांव तक ले आने का कार्य शुरू किया। गांव के लोग इस घटना से बहुत प्रभावित हुए।
उन्होंने हरिश्चंद्र के संघर्ष और नई सोच को सराहा, लेकिन हरिश्चंद्र के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। उसने अपने गांव के लोगों के जीवन को सुधारने का संकल्प ले लिया था। उसने नई खेती का आयोजन किया, नए तरीके अपनाए और अपने गांव के लोगों को नए विचार देने का प्रयास किया। हरिश्चंद्र के परिवार में सब उसके इस कदम से बहुत खुश थे। उसके पिता विश्वनाथ ने उससे कहा, बेटा, तुझ में वही हिम्मत और विश्वास है जो तेरे पिता में था। तू अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है और मैं तुझे अपने आशीर्वाद देता हूं। हरिश्चंद्र ने अपने युवावस्था में जो संघर्ष किया था, उसका असर उसके जीवन पर गहरा पड़ा। उसने अपने परिवार के खेतों को फिर से फलप्रद कर दिया और गांव के लोगों का भरोसा जीत लिया। लेकिन अब उसके मन में एक नया सपना पलने लगा था। उसने सोचा कि क्यों ना वह अपने खेती का व्यवसाय करे और अपने गांव के लोगों के लिए नए रोजगार का सृजन करे। लेकिन यह सपना आसान नहीं था। गांव के कुछ लोग अब भी उसकी सोच से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि खेती सिर्फ अपने परिवार के लिए है, इसे व्यवसाय बनाना पाप है। लेकिन हरिश्चंद्र अपनी सोच पर टिका रहा। उसने अपने पिताजी के उपदेश को याद किया और अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करना शुरू किया। उसने अपने खेती को व्यवसाय में तब्दील करने के लिए नए तरीके अपनाए। उसने अपने खेतों में नई फसलों को उगाया जो बाजार में उचित दाम प्राप्त कर सकती थी। उसने अपने गांव के कुछ युवाओं को अपने साथ जोड़ा और उन्हें नए व्यवसाय के बारे में सिखाया। धीरे धीरे उसके व्यवसाय का विस्तार होने लगा और उसका सपना पूरा होता दिखाई देने लगा। लेकिन इस सफलता के साथ ही नए चुनौतियां भी आईं। व्यवसाय में नई कठिनाइयां आने लगीं। बाजार में दाम गिरने लगे और उसके कुछ मित्र अपने हिस्सा निकालने लगे। हरिश्चंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए नए उपाय सोचने शुरू किए। उसने अपने व्यवसाय में नई तकनीक का प्रयोग किया। उसने नए बाजारों में अपने फसलों का प्रचार किया और नए ग्राहकों बनाए। धीरे धीरे उसके व्यवसाय का विस्तार होने लगा और उसका नाम दूर दूर तक पहुंच गया। गांव के लोग जो पहले उसका विरोध कर रहे थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। उन्हें लगने लगा कि हरिश्चंद्र ने अपने सपनों को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी पूरा किया है। एक दिन उसके व्यवसाय में एक बड़ा आदेश आया जो उसके लिए एक नई चुनौती ले आया। यह आदेश एक बड़े शहर से आया था जहां के व्यापारियों ने उसके खेती के उत्पाद की मांग की थी। हरिश्चंद्र के लिए यह एक अवसर था अपने व्यवसाय को और भी बढ़ाने का। लेकिन यह कठिन भी था क्योंकि इसके लिए उसे अपने व्यवसाय को और भी बड़े स्तर पर ले जाना पड़ता। हरिश्चंद्र ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर नए उत्पाद की खेती शुरू की। उसने नए बीज उगाए, नए तरीके अपनाए और अपने गांव के युवाओं को इस कार्य में जोड़ लिया। सब मिलकर दिन रात मेहनत करने लगे। उसने अपने व्यवसाय में एक नए अध्याय का आरंभ किया। लेकिन सफलता तक पहुंचना आसान नहीं था। इस नई खेती में कई बार नुकसान हुआ, कभी मौसम साथ नहीं दिया और कभी कुछ गलतियों के कारण फसलें बर्बाद हो गईं। हरिश्चंद्र को कई बार लगने लगा था कि उसने बहुत बड़ा कदम उठाया है, लेकिन उसने अपने पिता के उपदेश और भगवान कृष्ण के प्रति अपने विश्वास को हमेशा अपने साथ रखा। उसने सोचा, यह एक और परीक्षा है और मुझे इस परीक्षा में खरा उतरना है। कई महीनों के कठिन मेहनत के बाद हरिश्चंद्र और उसके साथियों की मेहनत रंग लाई। उसके खेतों में अच्छी फसलें हुई और उसने अपने नए बाजार के आदेश को सफलता से पूरा किया। उसके व्यवसाय का नाम अब पूरे शहर में छा गया था। उसके गांव के लोग उसके व्यवसाय में भागीदार बन गए थे और सब मिलकर इस सफलता का आनंद ले रहे थे। लेकिन हरिश्चंद्र के जीवन में सफलता के साथ साथ एक और बड़ा मोड़ आने वाला था जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। हरिश्चंद्र के व्यवसाय की सफलता की खबर अब गांव से निकलकर दूर दूर तक फैल गई थी। उसका नाम अब शहर के बड़े व्यापारियों के बीच भी पहुंच गया था। लेकिन जब सफलता आती है तो उसके साथ कई बार जलन और विरोध भी आता है। एक दिन शहर के कुछ व्यापारियों ने हरिश्चंद्र के व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने हरिश्चंद्र के उत्पाद के दाम को
जबरदस्ती गिराने का प्रयास किया ताकि उसका व्यवसाय बर्बाद हो जाए और वह बाजार से बाहर हो जाए। हरिश्चंद्र के लिए यह एक बड़ा झटका था। उसने अपने जीवन की पूरी मेहनत से अपना व्यवसाय खड़ा किया था, लेकिन अब यह सब कुछ नष्ट होने की कगार पर था। हरिश्चंद्र ने अपने गांव के लोगों को साथ लिया और इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन यह समस्या आसान नहीं थी। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन उसके व्यवसाय में गिरावट आने लगी। उसके कुछ साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया और उसका जीवन एक बार फिर से कठिन परिस्थितियों में आ गया। इस समय हरिश्चंद्र को अपने पिता की बातें याद आईं। उन्होंने कहा था कि जीवन में जब तुम्हारे सामने सब कुछ बर्बाद होता दिखे, तब अपने विश्वास और सच्चाई पर टिके रहो। भगवान कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं, बस तुम्हें अपने धर्म का पालन करते रहना है। हरिश्चंद्र ने अपनी पूरी शक्ति को समेटकर अपने व्यवसाय को बचाने का नया प्रयास किया। उसने नए ग्राहक ढूंढने शुरू किए, अपने उत्पाद में सुधार किया और नए बाजारों में अपने व्यवसाय का प्रचार किया। लेकिन इस बार उसका जीवन एक और बड़े मोड़ के लिए तैयार हो रहा था। एक दिन उसके व्यवसाय के प्रमुख व्यापारियों में से एक ने उसके व्यवसाय में निवेश करने का प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव उसके लिए एक अवसर था अपने व्यवसाय को बचाने का, लेकिन इसके साथ एक बड़ी समस्या भी थी। व्यापारी ने हरिश्चंद्र से कहा कि अगर वह इस निवेश के लिए राजी होता है तो उसे अपने व्यवसाय का निर्माण नए तरीके से करना होगा और अपनी पुरानी निष्ठाओं को छोड़ना होगा। हरिश्चंद्र के लिए यह फैसला लेना कठिन था। उसके सामने अपनी पूरी मेहनत को बचाने का प्रश्न था, लेकिन उसके विचार और निष्ठा भी दांव पर थी। उसने अपने मन में भगवान कृष्ण से प्रार्थना की और अपने पिता के उपदेश को याद किया। उसने सोचा, अगर मुझे अपने विचारों और निष्ठाओं का त्याग करना पड़े तो यह सफलता के लायक नहीं होगा। सफलता तभी काम की है जब उसमें सच्चाई और निष्ठा हो। अंत में हरिश्चंद्र ने अपने विचार और निष्ठा को बनाए रखने का फैसला किया। उसने व्यापारी का प्रस्ताव ठुकरा दिया और अपने व्यवसाय को अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। यह फैसला उसके लिए एक और बड़े संघर्ष का कारण बन गया। व्यापारियों ने उसके व्यवसाय को और भी नुकसान पहुंचाने के लिए नए षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। हरिश्चंद्र का व्यवसाय गिरने लगा और उसका जीवन एक बार फिर कठिनाइयों से घिरा हुआ था, लेकिन इस बार भी उसने अपने विचार और निष्ठा पर विश्वास बनाए रखा। हरिश्चंद्र का जीवन अब अपने सबसे कठिन मोड़ पर आ गया था। उसका व्यवसाय लगातार नुकसान में जा रहा था और उसके पास अपने खेतों को चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। उसके साथियों ने उसे छोड़ दिया था और उसका परिवार भी अपनी परिस्थितियों को लेकर चिंतित था। एक रात हरिश्चंद्र अपने खेतों में बैठा था जब उसने अपने पिता की आवाज अपने मन में सुनी। उन्होंने कहा, बेटा, यह समय तेरा परीक्षा लेने का है। अपने विश्वास और सच्चाई पर टिके रह। भगवान कृष्ण हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं, लेकिन उनकी कृपा तभी मिलती है जब हम अपने विचारों पर अटल विश्वास करते हैं। हरिश्चंद्र ने अपने मन में निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने विचार और सच्चाई पर अटल विश्वास रखेगा। उसने अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर अपने पिता के उपदेश और भगवान कृष्ण के संदेश को याद किया। उसने सोचा, जब तक मैं अपने मन में विश्वास रखता हूं और सच्चाई के रास्ते पर चलता हूं, तब तक मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। हरिश्चंद्र ने अपने व्यवसाय को बचाने के लिए एक नई योजना बनाई। उसने अपने शहर के कुछ पुराने मित्रों के साथ संवाद किया और उनसे अपने व्यवसाय में सहायता मांगी। उसने अपने व्यवसाय के प्रति अपनी निष्ठा और विश्वास को उनके सामने रखते हुए कहा कि मैं अपने जीवन में हमेशा सच्चाई और मेहनत पर विश्वास रखता हूं। अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो हम मिलकर इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। उसके मित्रों ने हरिश्चंद्र के विश्वास और विचार को समझा और उसके साथ अपना हाथ मिलाने का फैसला किया। उन्होंने अपने व्यवसाय में नए विचारों का समावेश किया और नए ग्राहक बनाने का प्रयास शुरू किया। हरिश्चंद्र ने अपने मित्रों के साथ मिलकर अपने उत्पाद में सुधार किया और नए बाजारों में अपने व्यवसाय का प्रचार करना शुरू किया। लेकिन
इस बार भी कठिनाइयां आसान नहीं थी। व्यापारियों ने उसके व्यवसाय को और भी गिराने के लिए नए षड्यंत्र रचने शुरू किए। हरिश्चंद्र को लगने लगा था कि उसका व्यवसाय बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उसने अपने मन में भगवान कृष्ण के प्रति अपने विश्वास को कभी कम नहीं होने दिया। उसने सोचा, यह समय मेरा परीक्षा है और मुझे अपने विचारों पर टिके रहना है। एक रात जब हरिश्चंद्र अपने व्यवसाय के बारे में सोच रहा था, तभी उसके मन में एक सोच आई। उसने अपने व्यवसाय में नए प्रौद्योगिक तकनीक का उपयोग करने का फैसला किया जो अब तक किसी ने नहीं सोचा था। उसने अपने मित्रों के साथ मिलकर नए तकनीकी विचारों को अपने व्यवसाय में लागू किया जो उसके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते थे। ये नए विचार धीरे धीरे सफल होने लगे। उसके उत्पाद को नए बाजार में अच्छी प्रतिक्रिया मिलने लगी और उसका व्यवसाय एक बार फिर से सुधारने लगा। हरिश्चंद्र के मित्रों ने भी उसके नए विचारों को सराहा और अपने व्यवसाय में नए तकनीकी विचार जोड़ने का संकल्प लिया। इस नए प्रयास से हरिश्चंद्र का व्यवसाय धीरे धीरे अपने पुराने स्थिति में वापस आने लगा। लेकिन इस समय एक और बड़ा मोड़ उसके जीवन में आया। एक दिन हरिश्चंद्र के पास शहर के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक व्यक्ति आया। उसने हरिश्चंद्र के नए तकनीकी विचार और उसके व्यवसाय की सफलता देखकर उससे मिलने का फैसला किया था। उस व्यक्ति ने हरिश्चंद्र से कहा, मैं तुम्हारे व्यवसाय के नए विचार से प्रभावित हूं। मैं तुम्हारे व्यवसाय में निवेश करने का सोच रहा हूं, लेकिन इस बार तुम्हें अपने विचार और निष्ठा के साथ समझौता नहीं करना पड़ेगा। हरिश्चंद्र ने इस प्रस्ताव को बहुत ध्यान से सुना। उसके सामने एक और नया अवसर था अपने व्यवसाय को विकसित करने का, लेकिन उसने अपने मन में एक बार फिर सोचा, क्या यह सच में मेरे व्यवसाय के लिए सही रास्ता होगा? उसने अपने पिता के उपदेश को याद किया और सोचा कि अगर मुझे अपने विचारों और निष्ठाओं को छोड़ना पड़े तो यह सफलता का प्रतीक नहीं होगा। अंत में हरिश्चंद्र ने अपने मन में विश्वास बनाए रखा और अपने व्यवसाय को अपनी शर्तों पर आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने उस व्यापारी का प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन इस बार अपने विचार और निष्ठा पर कभी समझौता नहीं करने का संकल्प लिया। उसके नए साथी के साथ मिलकर उसने अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हरिश्चंद्र का व्यवसाय अब अपने सबसे उच्च स्थिति में पहुंच चुका था। उसके गांव के लोग, जो पहले उसके विरोधी थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे थे। उसने अपने व्यवसाय के माध्यम से अपने गांव के लोगों के जीवन को बदल दिया था। उसका जीवन एक मिसाल बन चुका था और उसने अपने पिता के सपनों को पूरा कर दिया था। हरिश्चंद्र का जीवन अब सफलता की ऊंचाइयों पर था, लेकिन उसके मन में एक सुखद अनुभव की कमी थी। उसने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया था, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न अब भी था, क्या भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है? एक रात जब हरिश्चंद्र अपने खेत में अकेला बैठा था, तब उसने अपने मन में भगवान कृष्ण के प्रति प्रार्थना की। उसने कहा, भगवान, मैंने अपने जीवन में अपने पिता के उपदेश और आपके विचारों पर चलते हुए अपना जीवन बिताया है। मैंने कभी अपने विचार और निष्ठा का त्याग नहीं किया, लेकिन आज मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ कमी है। क्या आप मुझ पर अपना आशीर्वाद देंगे? उसी रात हरिश्चंद्र ने सपने में भगवान कृष्ण को देखा। कृष्ण ने उससे कहा, हरिश्चंद्र, तू अपने जीवन में वही करता रहा जो सच और धर्म के पथ पर है। तेरी मेहनत और सच्चाई का फल तुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि तू अपने विचार और निष्ठा पर अडिग विश्वास रखता है। मैं तेरे साथ हमेशा हूं, बस तुझे अपने मन में विश्वास बनाए रखना होगा। हरिश्चंद्र ने सपने में कृष्ण से प्रश्न किया, भगवान, क्या आप मुझ पर अपना आशीर्वाद देते हैं? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हरिश्चंद्र, तुझ में जो धैर्य, हिम्मत और सच्चाई है, वही तेरा असली आशीर्वाद है। मैं तुझे अपना आशीर्वाद देता हूं, लेकिन याद रख, सफलता का असली मूल विश्वास, मेहनत और धर्म में है। हरिश्चंद्र ने सपने में कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। जब वह सुबह उठा तो उसके मन में एक अद्भुत शांति थी। उसने अपने सपने को अपने जीवन का नया मार्गदर्शक बना लिया। उसने सोचा, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो चुका है, अब मुझे अपने जीवन में और कुछ नहीं चाहिए।
इसके बाद हरिश्चंद्र ने अपने जीवन को और भी शुद्ध और सात्विक जीने का फैसला किया। उसने अपने व्यवसाय को अपने गांव के लोगों के साथ बांटने का निर्णय लिया ताकि सब लोग उसके व्यवसाय की सफलता का लाभ उठा सकें। उसने अपने जीवन के बचे हुए दिनों में अपने गांव के विकास के लिए काम किया और सबके जीवन में सुख और समृद्धि लाने का प्रयास किया। हरिश्चंद्र ने गांव के लोगों को अपनी जमीन के कुछ हिस्से दे दिए जिससे वे अपनी खेती कर सकें और स्वतंत्र हो सकें। उसने गांव में नए स्कूल और अस्पताल बनवाए ताकि आने वाली पीढ़ियां शिक्षित हो सकें और अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकें। उसने गांव के युवाओं को नए रोजगार के अवसर प्रदान किए और उन्हें सिखाया कि कैसे वे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हरिश्चंद्र का जीवन अब एक मिसाल बन चुका था। उसने साबित कर दिया था कि सच्चाई, मेहनत और धैर्य के साथ किया गया हर काम सफल होता है। उसने अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना अपने विश्वास और भगवान कृष्ण के प्रति अपनी अडिग निष्ठा के साथ किया। उसने यह सिद्ध कर दिया था कि जब व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है तो भगवान भी उसका साथ देते हैं। समय बीतता गया और हरिश्चंद्र का शरीर अब वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहा था। उसकी उम्र के साथ साथ उसकी शारीरिक शक्ति भी कम होने लगी थी, लेकिन उसके मन में अभी भी वही उत्साह और प्रेरणा थी जो उसने अपनी युवावस्था में पाई थी। उसने अपने पिता के उपदेश और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद को हमेशा अपने साथ रखा था। एक रात जब हरिश्चंद्र अपने घर के आंगन में बैठा था, तब उसके मन में एक अनूठा अनुभव हुआ। उसने अपने पिता की आवाज सुनी जो कह रहे थे, बेटा, तेरा जीवन सफल रहा है, तूने अपने सपनों को पूरा किया है और अब तेरा समय आ गया है अपने भगवान के चरणों में समर्पित होने का। हरिश्चंद्र ने अपने पिता के इस संदेश को अपने मन में बसा लिया। उसने अपने परिवार को बुलाया और उनसे कहा, मेरा समय आ गया है अपने भगवान के साथ मिलन का। मैं अपना जीवन तुम लोगों के हाथों में छोड़कर जा रहा हूं। हमेशा याद रखना, जीवन में सबसे बड़ा मार्ग है सच्चाई और मेहनत का। भगवान कृष्ण हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं जो अपने धर्म का पालन करते हैं। उस रात हरिश्चंद्र अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर निकल गया। उसने अपने प्राण भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिए। उसके जीवन का अंत उसके पिता के आदर्शों और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद के साथ हुआ। हरिश्चंद्र के जाने के बाद उसका नाम हमेशा के लिए उसके गांव के हर व्यक्ति के मन में बस गया। उसका गांव अब एक मिसाल बन चुका था जहां के लोग हरिश्चंद्र के विचारों पर अपना जीवन जीते थे। उसका व्यवसाय अब उसके परिवार के साथ साथ गांव के लोगों के लिए भी समृद्धि का एक माध्यम बन चुका था। गांव के लोग हरिश्चंद्र के जीवन की कहानी को अपनी अगली पीढ़ी को सुनाते थे ताकि उन्हें यह याद रहे कि जीवन में सबसे बड़ा मूल है सच्चाई, मेहनत और अपने धर्म का पालन। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो अपने जीवन में ये सब गुण अपनाते हैं। तो दोस्तों, हरिश्चंद्र की इस अद्भुत और प्रेरणादायक यात्रा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई, मेहनत और धैर्य के रास्ते पर चलने वाले को कभी हार नहीं मिलती। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहता है जो अपने धर्म का पालन करते हैं और कभी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ते। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको भी प्रेरित किया होगा और जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक नई दिशा दिखाई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल अजय हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको और भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनाते रहें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि इस कहानी ने आपको किस तरह प्रभावित किया। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।